हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोई भी बकचोदी नहीं करेंगे क्योंकि अभी इंडिया में जो है COVID-19 की वजह से इमरजेंसी लगी हुई है। 21 दिन का लॉकडाउन है, तो इस 21 दिन में कोशिश करूंगा कि कोई अच्छे वीडियो COVID-19 से रिलेटेड मैं डालूं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो आजकल पूरे वर्ल्ड में सब बात कर रहे हैं कि जैसे स्टेज 3 में पहुँच जाता है ये अपना COVID-19 वायरस जो फैलता है, कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तो उसके बाद में ये कंट्रोल करना क्यों मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे अभी इंडिया में हम देखेंगे कि 700 प्लस केसेस चल रहे हैं, तो ये सारे केसेस जो हैं आप ट्रैक कर सकते हैं तो किससे किसको फैला। तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट भी आई हुई है COVID-19India.com, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस पर आप रियल टाइम इंडिया की जो भी केसेस हैं उसके बारे में आपको पता चलेगी, और साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि जैसे सोर्स क्या है उसका। तो उसमें उन्होंने P1 P2 करके पेशेंट्स का नाम रखा हुआ है, तो उसमें डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ है पूरी डिटेल्स। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब स्टेज 3 में ये वायरस पहुँच जाता है COVID-19, तो हमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर किसी कम्युनिटी में किसी कहीं पे बहुत सारे लोग जमा हैं तो उनमें स्प्रेड हो गया, तो हम ट्रैक ही नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी केसेस हैं हम सब ट्रैक कर पा रहे हैं। जैसे अगर कोई बंदा बाहर से आया, फॉरेन से, उसके फ्रेंड को हुआ, उससे मतलब संपर्क में आया, उसके रिलेटिव, सन, फादर, किसी को भी मतलब उससे ट्रांसमिट हुई है डिजीज़। लेकिन जैसे कोई भी केस हमारे यहाँ पे आया तो हम उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री और किस किस बंदे से मिला वो हिस्ट्री चेक करते हैं, तो फिर उन सब बंदों को क्वारंटाइन पे रखते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं, तो उस हिसाब से हम ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन जब स्टेज 3 में कोई बंदा आता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि किससे उसे डिजीज़ ट्रांसमिट हुई, उसी को कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। और इसके बहुत ही ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे अभी स्पेन में, आपके इटली में, यूएस में, अभी देखो रातों रात वहाँ पे 1 लाख केसेस तक पहुँच गए हैं। तो इसलिए अभी तक इंडिया में स्टेज 3 तक तो नहीं पहुँचा है, तो अभी हम होप करते हैं कि इंडिया में एक थोड़ा फ्लैटन हो जाए। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन है, तो बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। तो उसके सिवा इसको मतलब वर्स से होने से बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू।